नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। ऐसे में एक बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है इस उपचुनाव को लेकर। गठबंधनों में उपचुनाव की तैयारी को लेकर सुगबुगाहट तेज है। भाजपा बाढ़ से इसकी शुरुआत कर चुकी है। बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के अंदर अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन जदयू अंदर ही अंदर तैयारी में लगी हुई है। अब आगे की रणनीतियों पर चर्चा अगर की जाए तो एक तरफ मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है, वही दूसरी तरफ इस सीट पर कई अन्य प्रत्याशियों ने दावा ठोका है। एक तरफ चिराग पासवान का भी कहना है कि वो सभी जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। वही नई पार्टी जो पृथ्वी कुमार मालिक की आई है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि बिहार में जितने उपचुनाव हैं वो सभी जगह लड़ेंगे। अब बात आती है कि मोकामा की जो सीट है, अनंत सिंह की सीट है। अनंत सिंह लंबे समय से वहां विधायक रहे हैं, अब उनकी सदस्यता चली गई है, तो क्या अनंत सिंह के जगह पर उनकी पत्नी लड़ेंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब उनकी पत्नी लगातार तैयारियां भी कर रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पर जदयू ने वीटो लगाया है। दरअसल मोकामा जदयू और राजद का क्षेत्र रहा है। राजद और जदयू लगातार लड़ती आई है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस सीट पर एक बार फिर से भाजपा जब उतरेगी तो उसके सामने जदयू उतरेगी। लेकिन बात की जाए तो अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद सबसे मजबूत दावा उन्हीं का बनता है। जदयू की तरफ से ये वीटो लगा दिया गया है कि अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा या इस पर चर्चा नहीं होगी। तो देखना यह होगा कि तेजस्वी क्या फैसला लेते हैं, लेकिन तेजस्वी के फैसलों से इतर अनंत सिंह के जो लोग हैं वो लगातार तैयारियां कर रहे हैं। ऐसा उनका मानना है कि उनकी पत्नी वहां से चुनाव लड़कर एक बार फिर से जीतकर सदन में पहुंचेंगी। कांग्रेस के सीट पर मुंगेर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा अनंत सिंह के खिलाफ, और यही वो वजह है कि अब ललन सिंह जदयू की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आएंगे तो अनंत सिंह उस पिच से, उस फील्ड से गायब होंगे। तो अनंत सिंह निर्दलीय उतरेंगे या किस दल के साथ उतरेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें जदयू ने कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगा दी है कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं, जनता दल यूनाइटेड वहां से उतरेगी। जदयू के नेताओं का दबी जुबान से कहना है कि शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे, लेकिन कई नेताओं ने दावा किया है कि वहां से जदयू अपना प्रत्याशी देने जा रही है। तो एक ही गठबंधन के दो प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब नई गठबंधन बनी हो और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तेजस्वी लगातार जीतों और मेहनत कर रहे हैं, तो अब साफ है कि मोकामा की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी और अनंत सिंह के खिलाफ वहां जदयू उतरेगी। तो अनंत सिंह या तो निर्दलीय होंगे या किसी दल से होंगे, लेकिन बड़ा सवाल है कि अनंत सिंह को लेकर जिस तरीके से जदयू ने रोक लगाई है तो क्या तेजस्वी और अनंत सिंह के रिश्ते पहले जैसे हो पाएंगे या रह पाएंगे, या एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के दबाव में अपनी इस राजनीति को खत्म करेंगे जो उन्होंने 2-3 साल पहले शुरू किया और A to Z की बात करने लगे थे। अब इंतजार करना होगा नए तरीके से, नए फॉर्मूले के तहत कैसे फैसला लिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।